नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और आप सभी लोगों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी हुई है। किसी की ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगी है, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में। लेकिन साथियों, हम सभी को एक टीम की तरह कार्य करना होता है। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक मेंबर को आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका पीठासीन अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते या बुजुर्ग हैं, तो आपको उनका काम करना होता है। अर्थात अगर आप द्वितीय मतदान अधिकारी पे हैं, हो सकता है आपको प्रथम मतदान अधिकारी का कार्य करना पड़े। इसलिए प्रत्येक कार्य सभी मेंबर्स को सीखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निविदत्त मत पत्र क्या होते हैं, अर्थात टेंडर वोट, आपने नाम भी सुना होगा, क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि मतदान के दौरान किन परिस्थितियों में आपको इन मत पत्रों का उपयोग करना है, और ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति पे आप क्या करें, या ऐसी परिस्थिति से आप कैसे बचें कि आपको इनका यूज ना करना पड़े। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं निविदित मत पत्र, जिसका दूसरा नाम है टेंडर वोट। आखिर ये क्या होते हैं? मान लीजिए आपकी मतदान की प्रक्रिया चल रही है और मतदान की प्रक्रिया के दौरान कोई मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है, तो प्रथम मतदान अधिकारी क्या होगा, मतदाता सूची का अवलोकन करेगा, और जैसे ही वो अवलोकन करता है तो प्रथम मतदान अधिकारी को पता चलता है कि उस व्यक्ति के नाम से तो पहले ही मतदान कोई कर चुका है। पीठासीन अधिकारी संतुष्ट हो कि वास्तव में मतदाता यही है, फिर पीठासीन अधिकारी जो है उसका प्रमाण पत्र देखेगा, पीछे जो उन खड़े खड़े हुए हैं पोलिंग एजेंट उनसे पूछेगा क्या ये वास्तव में वही मतदाता है जिसके नाम की ये पर्ची ले रहे हैं, तो पता चला कि वो मतदाता वास्तव में रियल है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति मतदान का अधिकारी होता है, उसे मतपत्र दिए जाएंगे, किंतु उन मतपत्रों को मतपेटी में डाल के अलग से लिफाफे में रखा जाएगा। अब वो कह रहा है कि मैंने तो मत नहीं डाला, तो मैं क्या करूं, मुझे तो मत डालना है। पहले तो आप उसे समझाइए कि आपके नाम की वोट डल चुकी है, और अगर आप चाहते हैं मत डालना तो हम आपको मतपत्र तो दे देंगे, लेकिन इन मतपत्रों को हम बैलेट बॉक्स में नहीं डालेंगे, इनको हमें अलग से लिफाफे में रखना होगा और इनकी गिनती भी नहीं होगी, क्योंकि उनकी गिनती नहीं होती है। तो आपको करना क्या है ऐसी कंडीशन में? मान लीजिए वो कहता है कि मतपत्र मुझे जरूर चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो समझाने से समझ जाते हैं, लेकिन जो वकील टाइप होते हैं या टीचर होते हैं वे इस बात को नहीं समझते, क्योंकि उन्हें निविदित मतपत्र के बारे में पता होता है। तो निविदित मतपत्र से हमारा मतलब है, हमें बहुत सारे मतपत्र दिए गए हैं चारों पदों के, तो चारों पदों के मान लीजिए 1 से लेके 800 तक के नंबर के आपके मतपत्र हैं। दो जो आपका लास्ट वाला मतपत्र होगा 800 नंबर का, प्रत्येक गड्डी में, प्रत्येक गड्डी से हमारा मतलब है प्रत्येक पद की गड्डी में जो लास्ट वाला मतपत्र है उसे वे चार मतपत्र दिए जाएंगे, प्रधान पद के लिए, सदस्य पद के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए। तो वे लास्ट वाली जो गड्डी होती है, और तब उन मतपत्र का नाम रखा जाता है निविदत्त मतपत्र। तो इन मतपत्रों को करना क्या है? पहले तो हम आप कोशिश यही कीजिए कि ऐसी कंडीशन ना आए कि निविदित, इसके लिए बचने के लिए हमारे जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है उसको बहुत चौकन्ना होना पड़ता है। अगर निविदित मतपत्र की कंडीशन आ रही है तो यह केवल और केवल प्रथम मतदान अधिकारी की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आ रही है। इसके लिए प्रथम मतदान अधिकारी जब चुनाव शुरू कराएंगे तो उन्हें पहले ही जो एजेंट है, पोलिंग एजेंट है, उनको समझाना होगा कि मैं जोर से नाम बोलूंगा,
और आपको चेक करना है कि वास्तव में मतदाता है या नहीं, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है अगर कोई फर्जी वोट डाल के चला जाता है। तो प्रथम मतदान अधिकारी का कर्तव्य है कि उसको जोर से उसके नाम बोले, पूछे कि क्या ये वही है, और इसके साथ साथ उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी वो लेकर आया है उसको ढंग से चेक करे। अगर प्रथम मतदान अधिकारी चौकन्ने रहेंगे तो निविदित मतपत्र की कंडीशन नहीं आएगी, लेकिन अगर निविदित मतपत्र की कंडीशन आ जाती है तो आपको जितने भी आपके पास मतपत्र की गड्डियां हैं उनमें लास्ट के नंबर का, चार तरह के पद हैं हमारे, तो चार तरह के पदों के लास्ट वाला मतपत्र उसको दिया जाएगा अगर वो फिर भी नहीं मानता है। प्राय निविदित मतपत्रों को मतगणना में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन अगर दो प्रत्याशियों को समान स्थिति में वे मिल जाते हैं और उनमें जीतने की स्थिति में होती है तो तब निविदित पत्रों को गिना जाता है। तो आपको इस परिस्थिति से बचना है, इससे चौकन्ना रखना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको निविदित मतपत्र देने की जरूरत पड़ गई तो फिर आप, अगर आपके सामने इस तरह की परिस्थिति आ जाती है तब आपको परिशिष्ट 11 पर पपत्र 30 दिया हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन निविदत मतों की सूची, ये आपको भरना होगा। सबसे पहले ग्राम पंचायत, किस ग्राम पंचायत के लिए चुनाव हो रहे हैं कि वार्ड क्रमांक आप भर देंगे, कि सदस्य, प्रधान, क्षेत्र, जिला पंचायत, इनमें सभी पे टिक कर देंगे क्योंकि सभी हैं आपके, कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक लिख देंगे कि सदस्य के लिए निर्वाचन, आप जिसके लिए भी भरेंगे निविदित पदों की सूची, यानी आपको सदस्य के लिए भरेंगे तो सदस्य पे टिक कर देंगे, प्रधान के लिए, क्योंकि चारों के लिए भरना पड़ेगा क्योंकि चारों मतपत्रों ने देने हैं और चार ही इसके लिफाफे होंगे इन सूची के, तो चारों के लिए अलग अलग भरना पड़ेगा। जब ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए करेंगे तो वार्ड क्रमांक आप लिख देंगे, प्रधान के लिए कोई वार्ड क्रमांक नहीं होता तो जब प्रधान पे टिक करेंगे तो वार्ड क्रमांक में कुछ नहीं लिखेंगे, क्षेत्र पंचायत के लिए करेंगे तो उनका वार्ड क्रमांक लिखेंगे, किस वार्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य लड़ रहा है, और जिला पंचायत के लिए उसका वार्ड क्रमांक लिखेंगे, और निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक सेम ही होगा चारों में। तो आपको चार भरने पड़ेंगे ये निविदित मतों की सूची, जिसमें सबसे पहले कॉलम पे क्रमांक, फिर मतदाता का नाम, फिर मतदाता सूची में उसका क्या क्रमांक है उसे लिख देंगे, उस ग्राम पंचायत का नाम जिसकी मतदाता सूची है ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे, निविदित मतपत्र क्रमांक, यानी कौन सा मतपत्र आपने उसको दिया, लास्ट वाला देंगे, और उसके बाद फिर दोबारा एक आ जाता है तो उसे लास्ट, फिर दोबारा लास्ट वाला देंगे, क्योंकि लास्ट वाला तो हमारा निकल चुका तो फिर जो बचेगा वो लास्ट वाला हो जाएगा तो वो देंगे। जिस व्यक्ति ने पहले ही मतदान कर दिया है उस दिए गए मतपत्र का क्रमांक, जिस व्यक्ति ने पहले ही मतदान कर दिया, यानी वही व्यक्ति जिसका मतदान पहले ही हो चुका है उसको मतपत्र का क्रमांक, ये थोड़ा कॉलम आप छोड़ देंगे क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि किसने मतदान किया उसकी जगह, हमें पता ही नहीं चलने का इसका, तो इसे आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, यहां पर उसके अंगूठे का निशान ले देंगे। तो इस तरह से आपको चार फार्म ये भरने होंगे निविदित मतपत्रों के, और चारों इसमें नीचे स्थान लिखेंगे जो आपका है, दिनांक, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, सदस्य के मामले में सभी संबंध वार्डों के दौरान पड़े निविदित मतपत्रों के विवरण वार्डवार एक ही प्रति में अंकित करेंगे, वार्डवार दिखा देंगे अगर सभी अलग अलग वार्ड के पढ़ रहे हैं। लेकिन आप कोशिश करें इस तरह की कंडीशन ना आए, पहले तो आपने प्रथम मतदान अधिकारी को चौकन्ना करें कि वो ढंग से बोले जिससे कि कोई ऐसी कंडीशन ना आए, और अगर आ जाती है तो आप उनको पूरी समझाने की कोशिश करें, यहां तक कि आप उनको ये भी कह सकते हैं सर आपका मत पड़ चुका है और हम शाम को आपका मत डलवा देंगे 5 बजे, आप 5 बजे आ जाना, तो आप उन्हें कोशिश करना, वैसे तो 5 बजे नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो उनको किसी तरीके से आप मत डलवा दीजिए, इस सूची से भरने से बचने की कोशिश करें क्योंकि चार सूची भरनी पड़ेंगी, फिर चार लिफाफे भरने पड़ेंगे, काफ़ी दिक्कत होगी आपको, तो कोशिश यही करें कि इस तरह की भरने पड़े। इस प्रकार चारों को भरने के बाद आपको सांविधिक लिफाफे नंबर 5 है आपका निविदित मतपत्र, निविदित मतों की सूची सहित आपको मतपत्र रखना और उसमें साथ में उसकी सूची रखनी है। मान लीजिए आपके जिला पंचायत सदस्य के पड़े, वो इसमें रख देंगे मतपत्र, एक पड़ा, दो पड़ा और सूची रख देंगे, और इसको सील बंद कर देंगे, इसमें विकास खंड ये सब चीज आप लिख देंगे। दूसरा लिफाफा आपका सांविधिक वही होगा 5वें नंबर का ही, निविदित मतपत्र, निविदित मतों की सूची सहित क्षेत्र पंचायत सदस्य हेतु, इस लिफाफे में रख देंगे और इसको सील कर देंगे। उसके बाद तीसरा फिर लिफाफा 5वें नंबर का यही होगा, ये आपका
ग्राम पंचायत सदस्य पद होगा, ये तो होगा, इसमें उसके निविदित मत पत्र रख देंगे, उसको सील कर देंगे, और उसके बाद सावधिक लिफाफा आपका होगा निविदित मत पत्र, निविदित मतों की सूची सहित ग्राम प्रधान के लिए, इसको भी आप सील कर देंगे। यानी जो भी आपके निविदित मत पत्र पढ़े उनको और उसके साथ साथ उसकी सूची को, ग्राम प्रधान की अलग, क्षेत्र पंचायत की अलग, जिला पंचायत की अलग, सदस्य की अलग, चारों सूची बनेंगी आपकी, और जितने भी मतपत्र पड़ेंगे वे आपके अलग अलग रखे जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो कोशिश यही कीजिए कि आप समझाने में कामयाब हो जाए, वो आपकी कार्यकुशलता पे डिपेंड करता है, आप कितने कार्यकुशल हैं, कितने लोगों को समझा सकते हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं सर हमें भी दिक्कत हो जाएगी, बहुत काफी तरीके होते हैं समझाने के, और नहीं होता तब आप इस काम को कीजिए। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।